हेलो गाइस, नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है असिस्टिंग। और आज मैं आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। सभी व्यूअर्स का और स्टूडेंट्स का एक सवाल रहता है कि मॉर्निंग में क्या रियाज़ करें, क्या करें, कैसे करें, कब करें, कितना करें। तो आज मैं आपको सारा डिटेल में बताऊँगा कि आपको मॉर्निंग में रियाज़ क्या करना है, कितनी देर करना है, कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले मॉर्निंग रियाज़ के बारे में जानते हैं कि अगर आपको एक अच्छा सिंगर बनना है, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे क्लासिक हो, तो मॉर्निंग का रियाज़ बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जितना भी हमने हमारे गुणीजनों से और विद्वान लोगों से सुना है कि मॉर्निंग का रियाज़ क्यों ज़रूरी है। मॉर्निंग का रियाज़ इसलिए ज़रूरी है कि मॉर्निंग में जो आपका गला रहता है उसमें बेस रहता है, तो सिंगर बनने के लिए आपके गले में बेस भी होना चाहिए। और मॉर्निंग में बहुत पीस रहता है, शांति रहती है, आपका दिमाग भी खाली रहता है। मतलब आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन और किसी प्रकार का कोई आपके दिमाग में ऐसा कुछ थिंक नहीं आती है, सोचे नहीं आती हैं, तो इसलिए मॉर्निंग का रियाज़ बहुत अच्छा माना जाता है। स्पिरिचुअल अगर आप इसे दृष्टि से देखें तो मॉर्निंग का रियाज़ इसलिए बताया जाता है कि बताते हैं कि कुछ जो देवता होते हैं, भगवान होते हैं, वो सुबह के वक्त मतलब आप पे कृपा रखते हैं और मतलब आपका ध्यान रखते हैं। अगर स्पिरिचुअल दृष्टि से इसे देखा जाए, क्योंकि संगीत एक स्पिरिचुअल चीज़ है, तो इस अगर आप इस दृष्टिकोण से इसे देखते हैं तो ये इसलिए ज़रूरी है। और मैं इस चीज़ से इतना सहमत नहीं हूँ जितना मैं इसे एक विज्ञान के तौर पर देखता हूँ कि सुबह का रियाज इसलिए ज़रूरी है कि सुबह आपके गले में बेस रहता है और जैसा मैंने बताया शांति भी रहती है, पीस भी रहता है और कोई आपको डिस्टर्ब भी नहीं करता है। जैसा कि आप दोपहर में रियाज़ कर रहे हैं तो हो सकता है आपको आपके फ्रेंड्स शाम को हुए आपके फ्रेंड्स होते हैं या रिलेटिव होते हैं, वो आपको डिस्टर्ब कर दें, या हो सकता है आपको आपके फैमिली मेम्बर्स मम्मी पापा वो आवाज़ लगा रहे हैं या बुला रहे हैं, तो आप इससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। और म्यूज़िक में एक रूल है कि चाहे 20 मिनट करें या एक घंटा करें या आधा घंटा करें, आप जितना भी करें पूरा कॉन्सेंट्रेट से करें। तो कॉन्सेंट्रेट रखने के लिए ज़रूरी है कि आपके आसपास कोई ना हो और बहुत शांति हो, तो इसलिए मॉर्निंग रियाज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि मॉर्निंग में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। और मैंने और भी चीज़ें बता दी है आपको, आपके गले में बेस भी रहता है। बेस रहने से फ़ायदा ये है कि जितना मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में आप रियाज़ करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 बजे उठ के या 5 बजे या 6 बजे, उस टाइम गला जब आप नीचे के स्वर लगाएंगे तो वो स्वर ईजीली आपके नीचे चले जाते हैं। अगर आप दोपहर में कभी भी आप इसे लगा के देखिए, शाम को लगा के देखिए, रात को लगा के देखिए, तो वो इजीली नहीं लगेगा क्योंकि हम इतना बोल चुके होते हैं और हमने खाना भी खाया होता है, इसके कारण गला इजीली नीचे नहीं जाता है क्योंकि हमने कई ऐसी तली हुई चीज़ें भी खाई होती हैं और कुछ ऐसा चिकना भी खाया होता है कि गला कंफर्टेबली नीचे नहीं जा पाता है, बोलने के कारण भी थक जाता है। और सुबह आपने इतना बोला भी नहीं होता है, लगभग 8 घंटे की, 6 घंटे की या 9-7 घंटे की आपकी नींद होती है, तो गला बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो सुबह का रियाज़ करने से पहले आप हमेशा एक बात ध्यान रखें कि आप थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी लें, उसे गर्म मतलब हल्का गुनगुना पानी लें और उसमें हल्का सा आप नमक डाल के कुछ सबसे पहले गरारे करें। उससे क्या है कि आपका गले का जो भी गले में खराश है या कुछ ऐसा कुछ जमा है तो वो क्लियर हो जाता है। और उसके बाद आप रियाज़ करें। अब सबसे पहले आते हैं डेली मॉर्निंग रियाज़ क्या करें। तो डेली मॉर्निंग रियाज़ करने के लिए मैंने आपको बताया था कि मस्ट है आपका हमिंग का रियाज़ करें, ओम का रियाज़ करें, सा का रियाज़ करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये 3 रियाज़ बताता हूँ, उसके बाद में आपको और भी रियाज़ बताता हूँ। तो सबसे पहले हमिंग का रियाज़। तो हमिंग का रियाज़ करने के लिए आपको ह और म 2 वर्ड्स बनाने पड़ेंगे। ह को थोड़ा कम कीजिए और म को थोड़ा ज़्यादा कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमिंग का रियाज़। इसके बाद आते हैं ओम के रियाज़ पे। के बाद आते हैं सा के रियाज़ पे।
तीन रियाज तो आपको हमेशा करना ही है अगर आप एक अच्छा सिंगर बनना चाहते हैं, चाहे आप बॉलीवुड सिंगर बनना चाहते हैं या एक भजन सिंगर या एक गज़ल सिंगर या एक क्लासिकल सिंगर या वो हो सेमी क्लासिकल सिंगर। तो ये बनने के लिए आपको ये रियाज क्लासिकल में भी ज़रूरी है और लाइट म्यूज़िक मींस फिल्मी संगीत में भी ज़रूरी है, प्लेबैक सिंगिंग के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो चाहे वो प्लेबैक सिंगिंग हो या लाइट म्यूज़िक हो या क्लासिकल म्यूज़िक हो, ये रियाज हर एक सिंगर करता है चाहे वो कैसा भी सिंगर हो। तो ये रियाज एक बिगनर भी कर सकता है और एक एडवांस लेवल पे भी एक स्टूडेंट है या एक सिंगर है तो वो भी इसे कर सकता है। इसके बाद आते हैं वोवल्स का रियाज, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। आप वोवल्स का रियाज करिए सा का लगा के। वोवल्स मीन्स ए ई आई ओ यू, पहले मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप मेरे वो वीडियोज़ देखिए, आपको एक आइडिया हो जाएगा। फिर भी मैं शॉर्टकट में इसे थोड़ा बता देता हूँ। 5 वर्ड हैं ए ई आई ओ यू, इसका आपको रियाज करना है। ए आई ओ यू, ए आई ओ यू। देखिए ये एक साउंड आ रहा है, ये तानपुरा का साउंड है। अभी तो मैंने इसे मोबाइल से चालू कर रखा है और ये हारमोनियम है, इसे हल्का मैं सापा लगा के बजा रहा हूँ। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अगले कुछ लेसन्स में मैं आपको बताऊंगा कि तानपुरा की मदद से आपको कैसे गाना है। पर कोशिश करें, अगर आपके पास हारमोनियम तो आप हारमोनियम से ही गाने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें गलत होने का चांसेस बहुत कम रहता है। हाँ, अगर आपको म्यूज़िक का सेंस है और आप किसी गुरु से सीखते हैं, आपके गुरु हैं, तो फिर आप तानपुरा से गा सकते हैं। तो वोवल्स का रियाज देखते हैं। ए आई ओ यू, ए आई ओ यू, ए आई ओ यू, ए आई ओ यू, ए आई ओ यू। तो एक सिंगर बनने के लिए ये रियाज तो आपको करना ही है। आते हैं खर्च के रियाज पे। तो खर्च के रियाज में ये आपके गले पे डिपेंड करता है और आपकी एक स्टेज पे डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम से म्यूज़िक सीख रहे हैं। अगर आप कम टाइम से म्यूज़िक सीख रहे हैं तो आपको सा नी धा तक जाना है, और क्योंकि पा तक जाने या मा तक जाने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और अगर आपको सीखते हुए काफ़ी वक्त हो गया है, लाइक 6 महीने, 8 महीने या 1 साल, तो आप इजीली खर्च का रियाज कर सकते हैं। तभी मैं आपको पा तक जाके दिखाता हूँ कि आपको खर्च का रियाज किस प्रकार करना है। सा नी सा, आपको स्वरूप अच्छे से ठहरना है, मैं थोड़ा शॉर्टकट में से बता रहा हूँ। सा नी धा नी सा, ये पा है। ये मा है। सा नी धा पा, नी सा। कोशिश करें, आपका टारगेट रहे कि आप पा तक तो जाएं, और अगर आप माँ तक कंफर्टेबली जाते हैं, ठहरते हैं, तो जैसा कि पहले भी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ और मैं फिर से बताता हूँ कि अगर आप माँ तक अच्छे से जाते हैं तो आप प्रिपेयर हो जाएंगे एक बॉलीवुड सिंगर बनने के लिए। तो ये रियाज मैंने जो बताया है आपको, सबसे पहले हमिंग का रियाज, उम का रियाज, सा का रियाज और उसके बाद खर्च का रियाज, ये रियाज आपको डेली करना है एक आपको अच्छा सिंगर बनने के लिए और गले को इम्प्रूव करने के लिए। जल्दी सिंगर आप कैसे बन सकते हैं, गले को जल्दी इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, डेफिनेटली अगर आप 3 महीने भी से डेली करेंगे, पर वो डेली होना चाहिए, 3 महीने भी आप डेली करेंगे और सही रियाज करेंगे तो आपके गले में बहुत जल्दी इफेक्ट, आपको इम्प्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद आता है अलंकार का रियाज। तो जितने भी आपने अलंकार सीखे हैं उनका आप रियाज कीजिएगा। अलंकार मीन्स होता है सरगम का रियाज, और जैसे कि मैं आपको वीडियोस में कई सरगम्स बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उसे मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर भी मैं आपको कुछ 3-4 बेसिक सरगम बता देता हूँ कि आपको उनका डेली रियाज करना है। सा रे गा मा पा धा नी
सा सा नी धा पा मा ग रे सा। मैं फिर से एक बात दोहराना चाहता हूँ, अगर आप एक सिंगर बनना चाहते हैं और अच्छे सिंगर बनना चाहते हैं तो आपकी पहली सरगम बहुत अच्छी होनी चाहिए। पहली सरगम आपकी जितनी स्वर में होगी अच्छे से आप कंफर्टेबली गा पाएंगे, आने वाली सरगम आपको ऑटोमेटिकली ही आती जाएंगी, क्योंकि सात स्वर हैं वही घुमा फिरा के गाए जा रहे हैं। तो स्वरों को समझें और उन्हें अच्छे से लगाने का तरीका आप रियाज करें। फिर से थोड़ा सा इसे स्पीड में देखते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा ग रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा ग रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा ग रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा ग रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा ग रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा ग सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा ग रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा ग रे सा। सेकंड आते हैं सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। अब वर्ड्स को तीन कर देंगे। सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा 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 नी 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 धा 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 पा 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 मा 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 गा 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 रे 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 सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा 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 नी 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 धा 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 पा 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 मा 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 गा 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 रे 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 सा सा सा। नेक्स्ट अलंकार सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा। तीन सा रे गा मा गा मा पा धा पा धा नी सा नी धा पा धा पा मा ग रे ग रे सा सा रे ग रे गा मा पा मा पा धा पा धनी धनी सा नी धा नी धा पा मा पा मा ग रे ग रे सा रे ग रे गा मा पा धा पा धनी धनी सा नी धा नी धा पा मा पा मा ग रे ग रे सा रे गा मा पा ग मा पा धा मा पा धनी पा धनी सा नी धा पा मा ग रे मा ग सा रे गा मा पा ग मा पा धा मा पा धनी पा धनी सा नी धा पा मा ग रे मा ग रे सा। नेक्स्ट सा रे गा मा पा रे गा मा पा धा गा मा पा धनी मा पा धनी सा सा नी धा पा मा नी धा पा मा गा धा पा मा ग रे पा मा ग रे सा। नेक्स्ट सा रे गा मा पा धा रे गा मा पा धनी गा मा पा धनी सा सा नी धा पा मा गा नी धा पा मा ग रे धा पा मा ग रे सा सा रे गा मा पा धनी रे गा मा पा धनी सा नी धा पा मा ग रे नी धा पा मा ग रे सा सा रे गा मा पा धनी रे गा मा पा धनी सा नी धा पा मा ग रे नी धा पा मा ग रे सा। तो ये कुछ मैंने आपको 6-7 अलंकार बताए। ये अलंकार आपको रोज़ाना करने हैं, बेसिक अलंकार है, बहुत सिंपल अलंकार है। मैं डेफिनेटली दावे से कह सकता हूँ अगर ये अलंकार आप करते हैं और ये जो बेसिक्स कुछ मैंने आपको चीज़ें बताई, हमिंग का रियाज, ओम का रियाज, सा का रियाज, वोवल्स का रियाज और खरज का रियाज
और उसके बाद अलंकार क्रिया। अगर आप डेली इससे फॉलो करते हैं तो आप कुछ ही दिन में आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मैं ये तो नहीं कहता कि आप बहुत जल्दी सिंगर बन जाएंगी, पर आपको फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। वो सिंगर बनना आपके रियाज पे डिपेंड करता है, मींस प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना सही से प्रैक्टिस करते हैं, और आप गुरु के गाइडेंस में प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप सही रियाज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है। आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको और भी कुछ अच्छे बेसिक्स अलंकार बताऊंगा जो बॉलीवुड म्यूज़िक और बॉलीवुड सिंगर बनने के लिए आपको काफ़ी मदद करेंगे। क्योंकि एक प्लेबैक सिंगर बनने के लिए, एक बॉलीवुड सिंगर बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अलंकार सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसे सुर में गाएं और समझ के गाएं तो आप बहुत अच्छे और जल्दी सिंगर बन सकते हैं। आई होप, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल का नाम है एस एस स्ट्रिंग। धन्यवाद।